इप्सु को जैसे दिखा कि दादू गाड़ी लेके आ गए हैं तो वो रेडी पे बैठने के लिए आई है, भाग्य की मुझे बस इसकी सवारी करनी है। एक्चुअल में हम लोग रेडी लेके जा रहे हैं हमारे पुराने वाले मकान में, जहाँ से गेहूं के कट्टे कुछ बाहर निकालने हैं। जो लास्ट में जो गेहूं बच गया था उसके अंदर थोड़ा बहुत कचरा बच गया था। आज अच्छी वाली हवा चल रही है तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग उसको हवा में बरसा लेते हैं। तो अभी हम लोग वहाँ आ गए हैं जहाँ पे हम लोगों ने पहले गेहूँ रखा था। हम लोगों ने यहाँ पे तिरपाल पहले से लाके रख दिया था, मम्मी भी उसको स्प्रेड करने में लगी हुई है। अभी हम लोग यहाँ पे छाया भी है और आप ये पीछे देख सकते हैं ये पेड़ किस टाइप से झूल रहे हैं, यानी बहुत अच्छी वाली हवा चल रही है। और आज साथ ही साथ मौसम भी बिल्कुल क्लियर मौसम है। अब हुआ क्या था, जब हम लोगों ने जब थ्रेसर स्टार्ट किया था तो स्टार्ट के अंदर उसके अंदर कुछ जो पुरानी फसल थी उसके भी कुछ दाने आ गए। यहाँ आप देख सकते हैं बीच में ये कुछ मेथी के भी दाने हैं, कुछ जौ के भी दाने हैं। इसलिए आज हम लोग इसको बरसाने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें थोड़ी मिट्टी भी है जो मेरे हाथों के लगी है। इसके लिए लेके आए हैं हम लोग ये छायला, जिसका मैंने आपको पहले एक वीडियो में दिखाया था कि छायला किस काम आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इंस्पेक्टर महोदय भी आ गए हैं। इन्होंने अपनी खुशी लगा ली है और बैठ के देख रहे हैं कि हम लोगों का काम सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। जो मम्मी काम कर रही हैं वो मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ कि बेसिकली ये किस टाइप से देखो वाइब्रेट होता है। ये कंटिन्यू जब हिलता है तभी गेहूँ गिरते हैं, बाकी यदि एक साथ हम लोग यूँ डाल देंगे तो जो गेहूँ है वो सारे एक ही जगह गिर जाएंगे और जो कचरा है वो उधर निकल नहीं पाएगा। अभी आप यहाँ देख सकते हैं ये जो कचरा है ये यहाँ साइड में यहाँ दूर आ चुका है। जो आप ये यहाँ स्पॉट कर पा रहे होंगे, जो ब्लैक ब्लैक और जो भी कचरा है वो इस पे दूर आ चुका है, जबकि जो फ्रेश गेहूं थे वो इस साइड में रखे हुए हैं। हमारे इंस्पेक्टर महोदय भी पास आ गए हैं क्वालिटी चेक के लिए कि हम लोगों का काम सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इप्सी बाबू प्लीज गो देयर, वहाँ जाओ, अपनी चेयर पे जाओ। यस, नहीं वहाँ जाओ, यहाँ नहीं, आप वहाँ जाओ, वहाँ जाओ प्लीज, घर भेज देंगे वरना आपको। जाओ जाओ जाओ, बाकी जाओ वन इप्सी, यस वेरी गुड, आप अपनी चेयर ली। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये नीचे गिरते किस टाइप से हैं और ये हवा के साथ देख सकते हैं कि कचरा किस टाइप से वहाँ दूर जाके गिर रहा है। आप देख सकते हैं आपको हवा चलती हुई इस तिरपाल में भी महसूस हो रही होगी। जो ये कचरा है वो बिल्कुल इसके एंड के ऊपर गिर जाता है, जबकि जो फ्रेश वाले गेहूं है वो इस साइड में रह जाते हैं। हम लोग इनको हाथों से यूं साइड करते रहते हैं जिससे ये अगली बार भी हम लोग वहीं डालें और उस कचरे के अंदर मिक्स ना हो। यहाँ पे मम्मी बरसाने के लगी हुई, आपको मैं दिखाता हूँ हवा कितनी तेज चल रही है। ये आप यहाँ देख सकते हैं जो पेड़ है वो बिल्कुल झूल रहे हैं। इस चीज़ को बरसाने के लिए बिल्कुल अच्छी वाली हवा चाहिए होती है। कई बार हम लोगों को नीड पड़े बरसाने की और हवा नहीं चलती तो हम लोग क्या करते हैं कि कूलर या पंखा लगा लेते हैं पास में, जिससे कि हमें उससे हवा मिलती रहे। लेकिन जो ये नेचुरल हवा है इसकी वो बराबरी नहीं कर पाते। कि हम लोगों ने एक्चुअली क्या जो बरसा लिए थे गेहूँ उनको फिर से मम्मी दोबारा वो छायले से प्रोसेस कर रही है। अभी इसकी वजह क्या है, इसके अंदर कुछ मेथी के दाने भी थे वो गेहूं से भी भारी होते हैं तो हवा में तो उड़ने का कोई सवाल नहीं था। इसलिए अभी क्या इसके अंदर इसको इस टाइप से हिलाया जा रहा है जिसमें जो हल्के दाने हैं गेहूं के वो ऊपर रह रहे हैं, जबकि नीचे इसके अंदर मेथी के दाने बच जाते हैं जिनको हम इधर साइड में निकाल देते हैं। इसके बाद इनको हम लोग किसी छालनी वगैरह से छान लेंगे, जिससे कि जो मेथी के दाने हैं वो नीचे निकल जाएंगे। यहाँ पे क्या है कि वाइफ एक तो उधर दूध को गर्म कर रही है, साथ ही साथ गुड़िया को झुला झुला रही है, साथ ही साथ इसको अल्फाबेट भी सिखा रही है। तो अभी वहाँ चल के देखते हैं कि वाइफ क्या कर रही है। यहाँ पे चूल्हे पे इन्होंने चढ़ा रखा है दूध, तो ये दूध का ध्यान भी रख रही हैं कि दूध कहीं गर्म होके ऊपर की तरफ उफान ना ले ले। हम लोग दूध को कवर करने के लिए यहाँ पे एक बड़ी स्पेशल चीज रखते हैं, आज मैं आपको उसके दर्शन करवाता हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये इतने सारे छेद वाली क्या चीज है। एक्चुअली हम लोग इससे दूध को कवर करके रखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो दूध की डेगची है या जो स्टील का कंटेनर है उसको हम लोग इससे कवर कर देते हैं। इसके अंदर जो छेद है उनका एक फायदा होता है, जब दूध गर्म हो जाएगा हम लोग इसको उतार के रख देंगे तो उसके बाद इससे दूध कवर भी रहेगा। साथ ही साथ क्या होगा कि जो इसके अंदर छेद है वहाँ से हीट बाहर आती रहेगी और दूध जो हम लोग जमाने के लिए, जो दही जमाने के लिए जो यूज़ करते हैं वो ठंडा भी हो जाएगा, जिसके बाद हम उसका दही आसानी से जमा सकते हैं। यहाँ चूल्हे के अंदर आग लगी हुई है, चूल्हे पे दूध गर्म हो रहा है। यहाँ पे तो वाइफ एक काम करी है, जो आग है उसका ध्यान रख रही है कि दूध कहीं उफन ना जाए, साथ ही साथ गुड़िया को झुला भी रही है, झुलाने के साथ साथ उसको ABCD भी सिखा रही है, यानी यहाँ पे मल्टीपर्पज काम चल रहा है।